अगले दिन की शुरुआत हो चुकी है और हम अपने दोस्त के घर से खूबसूरत फैमिली को छोड़ के अब यहाँ से निकल चुके हैं जैसलमेर की तरफ। और जैसे कि मेरे पीछे बोर्ड लगा हुआ है, यहाँ से जैसलमेर सिर्फ 110 किलोमीटर ही है, तो वी आर ऑन द वे टू जैसलमेर। और रोड बहुत मस्त है, रोड बहुत साफ सुथरा है। टेम्पल है, ये पता नहीं कौन सा टेम्पल है, बट मत्था टेकने में क्या जाता है। अब सीधे हम जैसलमेर रुकेंगे। जैसलमेर में भी बहुत कुछ है दिखाने के लिए आप लोगों को, वहाँ पे भी हम कुछ दिन स्पेंड करेंगे और आपको खूबसूरत जैसलमेर दिखाएंगे। और अगर ये वीडियो आपने यहाँ तक देख लिया तो फटाफट से सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबाना तो बिल्कुल मत भूलिएगा, साथ ही इस वीडियो को एक थम्स अप भी दे दीजिएगा। चलिए आगे की जर्नी शुरू करते हैं और जैसलमेर पहुँच। थोड़ी दूर पहले आपको ये मिल जाएगा जैसलमेर वॉर म्यूजियम। आप चाहे अगर आप टाइम से आ गए हैं तो आप यहाँ पे रुक के, रोड बहुत तेज चल रही है, आप यहाँ पे रुक के वॉर म्यूजियम के पास फोटो खिंचा सकते हैं, वॉर म्यूजियम विजिट कर सकते हैं। अभी फिलहाल तो बंद है, लेकिन ये खुलता है सुबह 9 बजे से लेके शाम के 6 बजे तक। मेरे पीछे बोर्ड लगा हुआ है, सब कुछ लिखा हुआ है कितने बजे से कितने बजे तक खुलता है, तो अभी तो फिलहाल बंद है। बीस से 25 मिनट घुमाएगा, उसके बाद में आपको सनसेट वाले टाइम कैमल से घुमा देगा आपको, ठीक है। उसके बाद अपना कैंप पूरा प्रोग्राम रहेगा रात को 10 बजे तक, उसके बाद खाना वाना खा के स्टे कर लेना वहाँ पे, टेंट दे देंगे बढ़िया, और सुबह मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट करके उसके बाद सीधा तनोट निकल जाना, तनोट लॉन्ग वाला, फिर वो हमें गाड़ी तक छोड़ देंगे दोबारा। कैंप के आगे गाड़ी खड़ा रहेगा। अच्छा, कैंप के आगे पार्किंग अपना कैंप के आगे ही है, ठीक है ठीक है। तो मेन डेजर्ट का पार्किंग है ना, वो अपना कैंप के मेन रोड पे अपना कैंप है। अच्छा अच्छा, डेजर्ट के बिल्कुल सामने, ठीक है, टर्न रहा, ठीक है। तो ये आप इसका कितना चार्ज करते हो? ब्रेक आप 3000 रुपीज़ में दोनों को कपल का। हाँ, इसमें कैमल सफारी प्रोग्राम वगैरह सब ये पूरा बताया, पूरा पैकेज आएगा, ठीक है। जीप वाला अगर ओनली 500 रुपये एक्स्ट्रा लगेगा, 3500 रुपये जिसमें जीप भी इंक्लूड हो जाएगा, ठीक है। ये जो है ये विक्की भैया, इनका जो होटल है वो बिल्कुल सुनार किले के ऑपोजिट साइड में है। मैं इनका नाम, नंबर और इनका डिटेल सारा डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर किसी को भी आना है, किसी को भी ये कैमल सफारी करना है, तो इनके नंबर पे कांटेक्ट कर लीजिए, एक दिन पहले 2 दिन पहले इनसे बुकिंग करा लीजिए और उसके बाद आराम से यहाँ पे आइए। इनके खुद के होटल भी हैं सिटी के अंदर भी, तो अगर आप सिटी में भी बजट होटल देख रहे हैं तो इनसे हेल्प ले सकते हैं आप। हैं इस टाइम पर यहाँ की फेमस कचौड़ी, और ये सिर्फ 30 रुपये की है, हमने वही उसी शॉप से खरीदी जिस शॉप पे हमने खाना खाया अभी बाहर निकल के वहाँ से, देखने में तो अच्छी लग रही है। सब डेजर्ट पहुँचने वाले हम लोग करेंगे कैमल राइड। हमारी एंट्री हो चुकी है जैसलमेर में और इस समय हम हैं डेजर्ट कैंपिंग में। सम में वो जो विक्की भैया थे जिनको मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको दिखाया, उन्होंने ये डेजर्ट कैंपिंग अरेंज की हुई है, उन्हीं के थ्रू हम आए हैं। लग रहा है मस्त, अच्छा काफी ना डेजर्ट कैंपिंग। जीप राइड की और कैमल राइड की चलिए हमारे साथ। तो ये कैमरा बड़ा रहा, कैमरा ले जाना थोड़ा रिस्की होगा, इसलिए मैं गोप्रो से शूट करूँगा, थोड़ी सी क्वालिटी गिर जाएगी लेकिन देखिएगा मजा आएगा।
रिपोर्टिंग फ्रॉम सम ड्यून्स, और यहाँ देख सकते हैं हमारे पीछे ये ज़बरदस्त सैंड ड्यून्स है, और यहाँ फिर अभी टाइम है कल्चरल प्रोग्राम का। आप सब घूम के आगे सैंड ड्यून्स देख के आगे, और आप देख रहे होंगे कि मैंने कुछ ज़्यादा ही पहन लिया क्योंकि सरप्राइजिंगली आज बादल आ गए और बहुत ज़्यादा ठंड हो गई है और हवा बहुत ज़्यादा चल रही है, कुछ ज़्यादा ही ठंडा लग रहा है। तो जैकेट और टोल से कान ढक लिया ताकि बीमार नहीं पड़ सके, आगे भी शूट करना है। चलिए फटाफट आगे कल्चरल प्रोग्राम देखते हैं, उसके बाद डिनर की तरफ बढ़ेंगे और आज का एक्सपेंस आपको बताएंगे। कल का एक्सपेंस रहेगा क्योंकि कल कुछ खास था नहीं, कल हमने एक ब्रेक ले लिया था, हम 6 दिन से लगातार ट्रैवल कर रहे थे, हर रोज शूट कर रहे थे।